बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इमामुद्दीन टांडे इज़ हेयर। आई एम केमिस्ट्री लेक्चरर एट एपसेक बदीन कैंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, सॉल्यूशन। पहले हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जो है ना टाइप्स थे वो भी हमने डिस्कस किया था, और सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, कैसे सॉल्यूशन बनता है, वो भी हमने डिस्कस किया था दो लेक्चर्स में। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है फॉर 9th फेडर। गाइस, यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो व्हाट डज मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये जो बनता है आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होमोजीनियसली। सो जब वो दोनों का जो है ना एक दूसरे से मिक्सअप होता है, मिक्सअप होने के बाद एक न्यू जो है ना एक सबस्टम प्रोड्यूस होता है जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड इन अ सॉल्वेंट, सॉल्यूट डिजॉल्व वेरी इजिली और रैपिडली इन अ सॉल्वेंट। जब कुछ अमाउंट हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो वो सॉल्यूट क्या होता है, वो डिजॉल्व हो जाता है। जैसे कि जो हम थोड़ा सा अमाउंट यूज थोड़ा सा जो अमाउंट होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो ज़्यादा होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। इफ़ द एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज केप्ट ऑन अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन सॉल्वेंट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्यूट, वहाँ पे जो है ना सॉल्वेंट के बाद इतनी कैपेसिटी या एबिलिटी नहीं होती जो वो उससे ज़्यादा जो है ना डिजॉल्व कर सके उस स्टेज पे, तो हम क्या कहते हैं, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट जो है ना वो सॉल्यूट का क्या जो है ना कंटेन कर रहा है एक ऐसे टेम्परेचर पे, जो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम ऐसा भी कह सकते हैं, अ सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट फर्दर डिजॉल्व एन अदर सॉल्यूट, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स एक इसकी सॉल्वेंट की किसी की भी कैपेसिटी होती है, मैं एग्जाम्पल दूंगा जो है ना लास्ट में, वहाँ आप जो है ना समझ जाओगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है व्हिच कैन नॉट आर व्हिच कैन नॉट फर्दर डिजॉल्व एनी मोर सॉल्वेंट, दैट अ सॉल्यूशन इज नोन एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स ये ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट जो है ना सॉल्यूट का डिजॉल्व हुआ है एक सॉल्वेंट में। सो उसके जो ना उससे ज़्यादा सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व नहीं हो सकता, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सिंपली उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट फर्दर डिजॉल्व इन अदर सॉल्यूट, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो दूसरा टॉपिक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, लेट मी डिस्कस। अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन देट विच इज़ रिक्वायर्ड टू सेचूरेट एट अ गिवन टेम्परेचर। मीन्स सेचूरेट सॉल्यूशन में क्या था कि वो सॉल्यूशन जिसकी वो सॉल्यूशन जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट जो है ना वो सॉल्यूट का डिजॉल्व हुआ है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे कि हम कह रहे हैं भाई रूम टेम्परेचर, वहाँ पे जो है ना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व हो चुका था, लेकिन उससे ज़्यादा सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, वो जो उस सॉल्यूट होता है ना वो कम अमाउंट में जो है ना डिजॉल्व हुआ होता है। सो मीन्स उससे ज़्यादा भी डिजॉल्व हो सकता है, लेकिन सॉल्यूट की यहाँ पर क्वान्टिटी क्या है, वो कम है, इट्स स्पेसिफिक लिमिट। सो अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट देन देट विच इज़ रिक्वायर्ड टू सेचूरेट इट, मीन्स सेचूरेटेड सॉल्यूशन से वो जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है ना वो कम डिजॉल्व हुई है। सो इसलिए यहाँ पे जो है ना सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है। सो मीन्स इस सॉल्यूशन में फर्दर अमाउंट भी सॉल्यूट का जो है डिजॉल्व हो सकता है, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज अ अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। और हम इसको ये भी कह सकते हैं, अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, दैट अ सॉल्यूशन इज नॉन एज अ अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। सो अ सॉल्यूशन विच कैन कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन दैट विच इज रिक्वायर्ड टू सेचुरेट इट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। सच सॉल्यूशन हैज़ कैपेसिटी टू डिजॉल्व मोर सॉल्यूट टू बिकम अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन।
क्योंकि पहले अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, फिर जो है ना सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। मींस इसके बाद और भी जो है ना कुछ और भी कैपेसिटी है जो सॉल्यूट को क्या कर सके, डिजॉल्व कर सके एट सेचुरेशन लेवल सिंपली। सो सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो फर्दर अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व न कर सके एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। लेकिन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे जो सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो कम होती है, मींस कम डिजॉल्व हुई होती है, लेकिन उसके पास एबिलिटी उसके पास कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उनको हम क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, जब सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है तो क्या होता है, मींस उस टेम्परेचर पे क्वांटिटी जो है ना वो डिजॉल्व हो नहीं सकती। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी जो डिजोल्यूशन कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। व्हेन सेचुरेटेड सॉल्यूशंस आर हीटेड दे डेवलप फर्दर कैपेसिटी टू डिजॉल्व मोर सॉल्यूट, मींस डिजॉल्विंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सच सॉल्यूशन कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मींस पहले सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, उसके बाद हम उसको हीटअप करते हैं। जब हीट करते हैं तो उसके पास जो एबिलिटी होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है, सो उसके पास कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो फर्दर हम अमाउंट जो है ना उसमें ऐड करके वो क्या कर सकते हैं, वो डिजॉल्व कर सकते हैं। एंड दे बिकम मोर कंसनट्रेटेड, वो उसको हम ज़्यादा कंसनट्रेट बनाते हैं बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। द सॉल्यूशन दैट इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ नोन एज अ सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके पास कैपेसिटी बढ़ेगी, तो हम ऐड करके जाएंगे सॉल्यूट तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। देयर फॉर एन इजी वे टू गेट सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ टू प्रिपेयर सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट हाई टेम्परेचर। सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हम टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो वो जो है ना डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इट इज़ देन कूल्ड टू टेम्परेचर वेयर एक्सेस सॉल्यूट क्रिस्टलाइज आउट एंड लीव्स बिहाइंड अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम कूल करेंगे तो वो क्या होगा, तो टेम्परेचर जो है ना वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, मीन्स क्रिस्टल बनेंगे। जब क्रिस्टल बनेंगे तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सुपर सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के भी लिए क्या होना चाहिए, पहले सेचुरेटेड सॉल्यूशन, उनके बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी जो डिजॉल्विंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, तो फर्दर हम जो है ना सॉल्यूट का अमाउंट ऐड करके जाएंगे। एक एक ऐड करने के बाद कुछ मींस कुछ ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर कम करेंगे। जब वो कूल हो जाएगा तो क्रिस्टल फॉर्म में जो है ना हमें कुछ मिलेगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा और क्रिस्टल मिलेंगे, उसको हम कहते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन अ वाटर एट 20 सेंटीग्रेड हैज़ 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 cm³ ऑफ वाटर। मीन्स ये जो सोडियम थायोसल्फेट क्या जो 100 cm³ वाटर में मैक्सिमम अमाउंट कितना जो है ना डिजॉल्व हो सकता है, 20.9 ग्राम्स एट 20 सेंटीग्रेड। लेस देन दिस अमाउंट ऑफ सॉल्ट पर 100 सेंटीग्रेड ऑफ वाटर विल बी अनसेचुरेट सॉल्यूशन। अगर कम अमाउंट यूज़ करेंगे तो उसको हम अनसेचुरेट सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है। अगर 20.9 करेंगे तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन होंगे। एंड अ सॉल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट देन 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 cm³ ऑफ वाटर विल बी अ सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर उससे ज़्यादा होगा तो उनको हम कहेंगे सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उससे अगर कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर देना पड़ेगा, टेम्परेचर देने के बाद उसके पास जो डिजॉल्विंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, और उनके बाद क्या हो गया वो क्या होगा कि फर्दर हम कूल करेंगे तो वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में या क्रिस्टल फॉर्म में तब्दील हो जाएंगे। सो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखना बच्चे।